शिक्षा दिवस पर सर एक डॉक्टर को सम्मानित किया क्या? आज तो आप सब लोग जानते हैं कि आज के दिन शिक्षा दिवस का आयोजन जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है तो उसके बाद ही आप समझ लीजिए 2007 में पहली बार हम लोगों ने शिक्षा दिवस का आयोजन मौलाना आजाद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया। उसके पहले अनेक लोगों के साथ लंबी बातचीत हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो शुरू कर देंगे, ये राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो रहा, होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने जब शुरू कर दिया 2007 में और उसी के बाद यहाँ से पत्र भी लिखा सेंटर में और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस समय स्वीकार कर लिया और 2008 से फिर शिक्षा दिवस का पूरे देश में आयोजन उनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को शुरू हुआ। तो हम लोगों ने काम शुरू किया और आप जानते हैं कि इसको लेकर के शिक्षा दिवस के अवसर पर हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। अब इन दिनों जो कोरोना का दौर चला है इस बीच में कोई भी बड़ा कार्यक्रम करना अभी उचित नहीं है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए, इसलिए संक्षिप्त रूप से ही ये किया गया और जो उनको पुरस्कार देना है उनको डॉक्टर झा जी को पुरस्कृत किया गया जो उन्होंने काम किया जिसके बारे में आपको बता दें। लेकिन हर बार हम लोगों ने जितने तरह से शिक्षा दिवस के अवसर पर और इनकी स्मृति में लोग याद रखें कितना बड़ा काम किया उन्होंने मौलाना आज़ाद साहब देश की आज़ादी की लड़ाई में और वो उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद जब सरकार ये जब आज़ादी मिली और उसका दो हिस्से में बट गया देश और क्या बुरा हाल हो गया इसके लिए बापू कितना घूम रहे थे, सब लोग कोशिश कर रहे थे और उसी समय सब लोग जो जा रहे थे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग तो इन्होंने ही कहा था कि भाई देखो ये देश आपका है यहाँ से क्यों जा रहे हैं। तो उसके बाद ही ये ऐसी बात आई, उसके बाद ये रुका और तब जाकर के शांति हुई। तो उनका योगदान बहुत बड़ा है और उसके बाद उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया गया, उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में भी बहुत काम किया इस देश में प्रारंभ कर दिया। तो इसलिए हम लोगों ने यह भी तय कर लिया है कि हम अपने बच्चों को बच्चियों को छात्र छात्राओं को सबको उनके मौलाना आजाद साहब के किए गए काम के बारे में और उनका जो जीवन था उसके संबंध में जरूर लोगों को बताया जाए और उनको शुरू करा दिया गया। तो ये सब काम हम लोग प्रारंभ से और शिक्षा विभाग को हमने कहा था तो मैं इस बात के लिए शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम भी शुरू करा दिया। हमने एक कार्यक्रम में यही अनुरोध किया था इस बात को शुरू करा दी तो अब उसके लिए भी इन्होंने शुरू करा दिया तो मैं धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब काम जब शुरू हो गया तब जानते हैं तो हम लोगों को तो याद रखना है और इन सब चीज़ों को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है, इसलिए चाहते हैं उनके जीवन के बारे में उनके काम के बारे में नई पीढ़ी के लोग जानेंगे तभी ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि लोगों को कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से देश आज़ाद हुआ, फिर देश को एक इसमें जो एक बहुत ही खराब स्थिति उत्पन्न हुई तो उसको फिर से सामान्य बनाने का पूरा प्रयास किया। तो इन सब चीज़ों के लिए उनको हम सब दिन याद रखना चाहिए, इसलिए आज के अवसर पर उनके प्रति हम अपनी सब इस बात के लिए आए हैं उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए उनके प्रति आदर प्रकट करने के लिए आज का इस शिक्षा दिवस के कार्यक्रम पर उपस्थित होने का मौका मिला और इसीलिए किया गया कि भाई अगर हम लोग शुरू कर देंगे तो आप जान लीजिए कि बहुत लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। तो फिर तो आप जानते ही हैं कि अभी जरा सा इन सब चीज़ों पर रुकावट है, इसलिए हम लोगों ने औपचारिक रूप से जरूर ये कार्यक्रम कर लिया लेकिन अब जरूर इतना घट रहा है, अब जो स्थिति हो रही है कोरोना की और अपने यहाँ जो ट्रीटमेंट हो रहा है सब चीज़ भी और जिस तरह से सब कुछ टीकाकरण का काम चल रहा है तो इन सब चीज़ों के बाद अब मुक्ति मिलेगी हम लोगों को पूरा उम्मीद है और जब मुक्ति मिल जाएगी तो फिर सामान्य परिस्थिति में सब कुछ होगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत तैयारी भी की थी सर और क्या कितने लोग आए होंगे सर? क्या बहुत लोग, देखिए छठ पर्व के बारे में तो जो भी बात हो उसके बारे में तो आप सब लोगों से जब तक हम लोग घूम रहे थे चर्चा नहीं की तो आपने देख लिया कि इस बार छठ पर्व में बहुत लोग शामिल हुए और बहुत ठीक ढंग से शामिल हुए, कहीं कोई अशांति नहीं रही, ठीक ढंग से हुआ। हम सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और सबको बधाई देते हैं।